देखिए जो ये चीज़ है वेटेड और नॉन वेटिंग वेटेड कोडिंग, तो इस ये टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है पर बुक में अलग से नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इससे रिलेटेड कंसेप्ट नहीं है बुक में है, लेकिन वो बिखरे हुए थे तो उनको जोड़ करके और एक आर्टिकल की फॉर्म में दे दिया है कि अगर कभी इस पर शॉर्ट नोट आ जाए या इसके बारे में कुछ पूछ दें कि व्हाट इज़ वेटेड एंड नॉन वेटेड कोडिंग, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं। लिखिए, बाइनरी कोड्स को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। दो तरह के बाइनरी कोड करे गए हैं, तो बाइनरी कोड्स को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। नंबर वन लिखिए वेटेड कोड्स। वेटेड कोड्स को हिंदी में कहते हैं भारित कोड। और दूसरा लिखिए नॉन वेटेड कोड्स। नॉन वेटेड कोड्स इसको लिखिए अभारित कोड। इसका दूसरा नाम नॉन वेटेड का अनवेटेड भी कहते हैं कभी कभी। हालांकि ग्रामेटिकली देखें जाकर के इंग्लिश में तो पता नहीं है अनवेटेड सही है नॉन वेटेड सही है, वो चीज़ अलग है, लेकिन हमारे साइंस में ऐसा कोई नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ी गलती मानी जाए। तो अब मैं बता देता हूँ आपको वेटेड कोड और नॉन वेटेड कोड्स जो हैं वो क्या होते हैं। लगभग जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि सपोज़ करिए बाइनरी में 1101 लिखा है मैंने, और मैंने कहा इसे जो है आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए इसको क्या करा जाता है, 2 to the power 0 से मल्टीप्लाई, इसे 2 to the power 1 से, इसे 2 to the power 2 से, इसे 2 to the power 3 से। तो ये इस तरह से, तो कहने का मतलब ये है कन्वर्जन जब आप इसका कर रहे हैं तो उससे पहले आपने हर पोजीशन को थोड़ा 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 जो है वैल्यू दे दी है। ये यही चीज़ मैंने बताया होगा, अगर आप याद रखें पुरानी क्लासेस आपने करी हैं मेरी या देखी हैं, तो इन चीज़ों को प्लेस वैल्यू या फिर प्लेस वैल्यू कहते हैं, लोकलाइज्ड वैल्यू भी कहते हैं, स्थानीय मान जिसे कहते हैं, और या फिर इसे वेट भी कहते थे। याद है, पूरा वेट लिख दूं, WEIGHT, तो ये वेट्स भी कहलाते थे। वहाँ पे मैंने थ्योरी में वेट्स वर्ड भी लिखवाया है कि इसका इस डिजिट का वेट इतना है, इस डिजिट का वेट इतना है, इस डिजिट का वेट इतना है। तो ये जो वेट्स असाइन कर रहे हो आप इसी चीज़ और फिर आप कोडिंग कर रहे हो, तो इस चीज़ को कहेंगे हम वेटेड कोडिंग। तो यहाँ से आप कन्वर्जन से पहले एक वेट असाइन कर रहे हैं हर डिजिट को, और उसके बाद उसका यूज़ करके तब कर रहे हैं कन्वर्जन। तो ये जो कोडिंग करके बनेगा इसको वैल्यू इसकी जो आएगी, आप देख लीजिए कितनी वैल्यू आएगी, 8, इसका 8 होता है, इसका 4 होता है, इसका 2 होता है, इसका 1 होता है, तो 8 4 12 13, ये 13 जो बनेगा जा करके ये कोडिंग जो करी है, तो ये वेट्स असाइन करके बनी है, इसलिए ये वेटेड कोडिंग कहलाएगी। तो जो हमने कन्वर्जन किया है बाइनरी टू डेसिमल वो भी एक तरह से कोड ही था और वेटेड कोड था। अच्छा, अगर हम इस पर ध्यान न दें, वेट्स ना असाइन करें और फिर कर दें कुछ, तो फिर वो नॉन वेटेड कोडिंग कहलाती है। इसमें तरीका कुछ दूसरा होता है, और उस दूसरे तरीके की हेल्प से वो देखेंगे जब हम आगे ये आएगा, तो उस दूसरे तरीके की हेल्प से क्या होता है कि आपको उसके वेट्स असाइन नहीं करने पड़ते और बिना उसके ही कोडिंग हो जाती है, तो इसलिए इसे नॉन वेटेड कोडिंग कहते हैं या अनवेटेड कोडिंग कहते हैं। थोड़ा सा लिख लेते हैं हम डेफिनेशंस वगैरह। नेक्स्ट पैरा में लिखिए, वेटेड कोडिंग में हर डिजिट के कन्वर्जन से पहले नंबर की प्रत्येक डिजिट को एक वेटेड वैल्यू असाइन किया जाता है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा, जबकि नॉन वेटेड कोडिंग में कुछ बदले हुए फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है परंतु बिना किसी वेटेड वैल्यू को असाइन किए हुए कन्वर्जन किया जाता है। ये एग्ज़ाम्पल हम बाद में लिखाएंगे, ठीक है ना, अभी हम जनरल एग्ज़ाम्पल देंगे पहले। तो अब हेडिंग डाल दीजिए एक पोजिशनल नोटेशन, मतलब पोजीशन को कैसे डिनोट किया जाता है। जैसे ये 2 to the power 0, 2 to the power 1 वाली बात तो सिंपल हो गई, उसके लिए पर्टिकुलर केस हो गया बाइनरी के लिए, ठीक है ना। हम पहले देखेंगे इन जनरल पोजीशन क्या होती है, वो पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, ये चौथी पोजीशन, और फिर उसको वैल्यू क्या देनी है, तो बाइनरी के केस में अलग देनी, हेक्सा के केस में अलग देनी, ऑक्टल के केस में अलग देनी है। तो पहले हम सिंपल पोजीशन नोटेशनल पढ़ेंगे, उसका इन सब से कोई मतलब नहीं है, ये सब उसके एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होंगे, हम यहाँ पे जनरलाइज्ड वे पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए 3743 दिया है एक नंबर हमारे पास, तो ये हमारा नंबर हो गया और ये उसकी डिजिट्स हो गई। पहले ये LSB करो तो ये यहाँ से स्टार्ट कर लो, MSB से स्टार्ट करो तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, तो ये नंबर्स जो हैं वो ये आप ये नंबर है आपके पास,
अब इसकी आप अगर पोजीशंस लिखना चाहो, इसको पोजीशन पोजिशनल नंबर अगर देना चाहो तो आप इसे कह सकते हो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है। तो ये पोजीशंस जो हैं वो वास्तव में वही पोजीशंस हैं, फिर उस पर वैल्यू दूसरी डाल दी गई है। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा समझाना चाहते हैं कि जो नंबर है उसकी पोजीशंस जो हैं असाइन करी गई हैं यहाँ पे, ये पोजिशनल नोटेशंस कहलाता है। देखिए कंसेप्ट बहुत आसान होता है, लेकिन उसको लिखते लिखते और फिर बुक में देखोगे तो वो थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। लिखिए इसमें, इसमें हम किसी रियल नंबर की राइट से लेफ्ट, यहाँ से नाम दिया जाता है, राइट से लेफ्ट प्रत्येक डिजिट को एक पोजिशनल वैल्यू असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी ये मत लिखिएगा, अभी लिखिए फॉर द नंबर 3743, फॉर द नंबर 3743 कॉमा स्टार्टिंग विद 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद 3 और दाएं से बाएं काउंट करने पर, राइट टू लेफ्ट काउंट करने पर पोजीशंस 0, 1, 2, 3। देखिए नंबर सिस्टम में काउंटिंग हमेशा ध्यान रखिए, जैसे हमने 1, 2, 3, 4 कह दिया तो ये तो हमारी काउंटिंग हो गई कहाँ से, 1 से, जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन नंबर सिस्टम जब पढ़ाया जाता है तो आप ध्यान रखिए 0 सबसे पहले आता है। तो इसलिए काउंटिंग जो करने का बेटर मेथड है, तरीका जो एक्चुअल तरीका है वो आपका है कि 0 ये पोजीशन हो गई, 1 ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई। यही चीज़ हमने लिखी है कि इस नंबर को स्टार्ट, इस नंबर में लें तो 3 से स्टार्ट करके राइट टू लेफ्ट जाने पर अगर हम पोजीशन दें तो 0, 1, 2, 3 ये पोजीशन इसको असाइन होती हैं। अब आप यही चीज़ पूरा डिटेल में लिख लीजिए, इसको पोजीशन आपने दी है 0 की, इसको 1 की, इसको 2 की, इसको 3 की। जो बात एक लाइन में समझा सकते थे उसे हमने एक पहले 2-3 लाइनें लिखी हैं, उसके बाद फिर उसका एग्जांपल ढंग से बताया है। एक बार सर और ठीक है, कर देता हूँ रिपीट। देखिए ऐसा है, पोजिशनल नोटेशन का मतलब है आप एक नोटेशन देना चाहते हैं उसकी पोजीशन को, डिजिट की पोजीशन कौन सी है। तो फॉर द नंबर जैसे 3743 है तो आपने 3 को जो है 0 पोजीशन दी कि ये 0 पोजीशन पर है, 3 डिजिट, 4 डिजिट फर्स्ट पोजीशन पे है, 7 डिजिट सेकंड पोजीशन पे, 3rd डिजिट 3 जो है वो 3 जो ये डिजिट है वो 3rd पोजीशन पे है। तो ये पोजिशनल नंबर्स जो दिए गए हैं इसके डिजिट्स को, ये कहलाता है पोजिशनल नोटेशन। और यही पोजिशनल नोटेशंस जो हैं हम कन्वर्जन में यूज़ करते थे। देखिए कहाँ पे ये 0 हम यहाँ यूज़ करते थे, ये पावर में जो लगाते थे ना वो पोजिशनल नोटेशन ही होते थे। ये 1 यूज़ करते थे यहाँ पे, ये 2 आप यहाँ यूज़ करते थे। तो 2 की पावर में लगा देते हैं पोजिशनल नोटेशन तो हमारा बाइनरी कन्वर्जन होने लगेगा, ठीक है ना। 8 की पावर में लगाने लगेंगे तो ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन होने लगेगा। 16 की पावर में लगाने लगेंगे तो हमारा हेक्सा से और डेसिमल कन्वर्जन होने लगेगा। तो हर जगह पोजिशनल नोटेशन की बात आ रही है। कायदे में ये चीज़ आपको पिछले चैप्टर में बता देनी चाहिए थी बुक वालों ने, लेकिन उसमें नहीं बोला, वो यहाँ पे बोल रहे हैं। तो कोई ऐसी नई बात नहीं पढ़ रहे हम कि जो हमें पहले से नहीं मालूम है। समझ में आ गया अनमोल? हर्षित, हाँ वहीं से स्टार्ट। देखो हर्षित ऐसा है, अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपको उसमें कितनी प्रॉब्लम आने वाली है, हो सकता कहीं पर इन चीज़ों का यूज़ ही हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिया करिए कि अपने हिसाब से वीडियो को देख लिया करिए बस, बाद में लाइव क्लास में आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइव क्लास में आपका पूरा टाइम वेस्ट होगा 1 घंटे का। वीडियो में बाद में यह है आप लगातार देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम कहाँ लगता है। थोड़ी बहुत जो बातें हम लोग कर लेते हैं वही आप स्किप कर सकते हो, उसमें भी बार बार आप आगे पीछे करते रहते होगे कि ज़्यादा आगे निकल गए, पीछे आओ, ये आओ। तो इसलिए अगर कर लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। देखो हर्षित, अभी मैथ्स का टाइम की बात क्या करें, अब हमें अभी तो अल्टरनेट डेज पे चला रहा हूँ शुरू में, फिर अभी देखिए क्लासेस चलने दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि 2-3 दिन में क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि अब मैं 7 से 8 जैसे बड़ी मुश्किल से ले रहा हूँ आज, तो 7 से 8 में लेने में ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 8 से 9 जैसे ही करूँगा तो जो बच्चे कॉलेज जाने वाले होंगे उनको दिक्कत होने लगेगी,
जैसे मैं यही तो कह रहा हूँ, सारा मोड ऑनलाइन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम सुबह 2 क्लास ले लेते, उसके बाद सब बच्चे चले जाते। अब यहाँ पर यह है कि कुछ बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करने लगेंगे, वो कहेंगे हमें कॉलेज जाना है, तो ये दिक्कतें होती हैं। नहाना धोना भी रहता होगा इन बच्चों को। ममता पटेल, आज से कॉलेज खुला है। हाँ, काफी जगह खुल गए हैं कॉलेज। हर्षित, मैथ्स का बहुत सिलेबस है। हाँ वो तो है। खैर, चलो अच्छा, ये चैटिंग बंद कर दो। अब स्कूल खुलने के साथ ही चैटिंग भी आप लोगों की बढ़ गई है। अब वीडियो लाइक नहीं हो रहा आप लोगों से। देखो 9 बच्चों ने लाइक किया, 14 टोटल हैं पढ़ रहे हैं इस टाइम। नीलम क्या है, रूम नंबर 44 है ही नहीं। नीलम को बहुत पता है रूम नंबर 44 है कि नहीं। दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स का सिलेबस। देखो हर्षित, अगर ये पुराने जैसा चलता रहता, जैसे हम लोग क्लास कर रहे थे ना रेगुलर, और ये कॉलेज वॉलेज खुलने का झंझट ना होता, तो हमारे पास टाइम होता पूरा, तो हम उसे उसी तरह यूटिलाइज कर सकते थे। अब जो है वो 9 से 6 तक तो बैठना ही है कॉलेज में, तो 9 से 6 तक जब हम वहाँ रहेंगे तो हम और क्या कर पाएंगे बताओ। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और बच्चे भी वहाँ बिजी रहेंगे 9 से 6 में कुछ, तो वो लाइव क्लास उस टाइम ऑर्गेनाइज ही नहीं करी जा सकती। तो अब 9 से पहले सुबह वही 7 से 8 एक टाइम बचता है मेरे पास। नाइट में ले लो, नाइट में देखो मैं देखता हूँ, वही तो मैं वही सोच रहा हूँ। नाइट में अगर मेरे पास एनर्जी बचती है, देखता हूँ पहले मैं क्या सिचुएशन है, 1-2 दिन चल जाने दो पहले इस चीज़ को, है ना, तब उसके बाद देख लेंगे नाइट में। चलिए हम ये कंप्लीट कर लें पहले, हम जिसके लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो ये पोजिशनल जो है नोटेशंस आपके कहलाते हैं। अब आप नेक्स्ट पैरा में लिखिए, वेटेड कोडिंग में उपरोक्त उदाहरण में असाइन की गई पोजिशनल वैल्यूज़ को भी वेटेड वैल्यू के रूप में लिया जा सकता है। मतलब कहने का ये भी वेट्स की तरह लिया जा सकते हैं, बस ये है कि उनसे कोई नंबर सिस्टम नहीं बनेगा आपका, वो अलग बात है। जैसे यहाँ पे 2 to the power चढ़ा के ले रहे थे तो नंबर सिस्टम बन रहा है, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पे ये है कि कोई नंबर सिस्टम नहीं बनेगा, लेकिन वेटेड का नाम है कि मतलब कुछ वेट्स असाइन करो, तो हमने हर डिजिट को कुछ वेट्स असाइन कर दिए, तो वेटेड कोडिंग ये मानी जा सकती है। अतः नीचे लिख लीजिए, अतः अगर हम 3 का वेट कहें, डिजिट 3 का वेट WEIGHT, तो ये आपका कहलाएगा 0। समझ रहे हैं बात को? वही पोजिशनल नोटेशंस को अगर हम वेट्स असाइन कर दें, यही वेट्स मान लें, तो हमारी कोडिंग एक नई हो सकती है। ये 3 लास्ट वाला है, LSB वाला, और उसके बाद ये 3743 था, तो ये 3 राइट वाले से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद 4 डिजिट है तो उसका हम लिख सकते हैं 1, और इसका वेट, और 7 का लिख सकते हैं 2, और 3 जो MSB वाला है उसका वेट हम 3 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको ही वेट मान लें, पोजिशनल वैल्यूज़ को ही वेट मान लें, तो भी हमारी कोडिंग वेटेड कोडिंग कहलाएगी। वो हेडिंग डालिए अब, एग्जाम्पल्स ऑफ वेटेड कोडिंग। एग्जाम्पल 1, बाइनरी टू डेसीमल कन्वर्जन करते हैं। अब इसी की बात आ गई, ये जो सबसे पहले समझाया था मैंने, ये ज़्यादा जनरलाइज्ड था, ये जो अभी हमने सीखा ये पर्टिकुलर मेथड था। जब हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं, तब वास्तव में हम वेटेड नंबर को ही कन्वर्ट करते हैं। देखिए पहले वेट लगाया, उसके बाद तब उसको ऐड करते हैं, ठीक है ना। वेटेड नंबर को ही कन्वर्ट करते हैं, फुल स्टॉप। इस प्रक्रिया में हम प्रत्येक डिजिट को बेस टू द पावर पोजीशन, ये ऐसे इस तरह से लिखिए, वेट्स टू द पावर पोजीशन, और इसके ब्रैकेट में आ जाएगा 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, so on। जो बेस है उसमें पोजीशंस लगा के पावर में, और उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये लिखना चाह रहे हैं हम।
तो इस प्रक्रिया में हम प्रत्येक डिजिट को बेस टू द पावर पोजीशन ब्रैकेट में इतना 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 ब्रैकेट क्लोज्ड से गुणा करते हैं, से गुणा करते हैं और तब सारे परिणामों को जोड़ लेते हैं, फुल स्टॉप। यह वेटेड कोडिंग का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल लिख दीजिए नीचे, वही एग्जांपल लिख लीजिए, 1101 इज इक्वल टू बेस 2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 into 2 to the power 3 प्लस 1 into 2 to the power 2 प्लस 0 into 2 to the power 1 प्लस 1 into 2 to the power 0 इज इक्वल टू करके जो भी आ रहा है लिख लीजिए इसको। अब एग्जांपल 1 तो हो गया कंप्लीट, एग्जांपल 2 लिखिए, BCD कोड। अगला आर्टिकल हमारा जो आएगा वो यही आएगा कल या अपन जब भी स्टार्ट करेंगे। और इसका ये BCD कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हो सकता है इसका वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। कुछ ऐसा करते रहिए, कुछ वैसा करते रहिए, मिला जुला कर आगे बढ़ते रहिए, है ना। तो BCD कोड, इसको 8421 कोड भी बोलते हैं। ये दूसरा एग्जांपल था, सॉरी, पहला तो ये बता दिया हमने, दूसरा ये तीसरा 2421 कोड। ये जो वेट्स असाइन कह रहे हैं उसी के नाम पड़े हैं ये, ठीक है, बाकी डिटेल में आगे पढ़ा जाएगा। 84 माइनस 2 माइनस 1 कोड, इसको डैश मत समझिएगा, हाइफन मत समझ लीजिएगा, 8421 वो है और 84 माइनस 2 माइनस 1 कोड। वैल्यूज असाइन करनी है जैसे भी मर्जी करें, तो उसी के आधार पे कोड्स बनते चले गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आजकल के कंप्यूटर्स में ये सब यूज हो रहे हैं, कभी किसी टाइम पे आए होंगे तो उस टाइम पे यूज़ हो गए होंगे, तो आजकल क्या हो रहा है क्या उससे रिलेट ज़्यादा मत करिएगा। जैसे आप जब कंप्यूटर साइंस भी पढ़ते हैं ना, तो पता लगा वो उस जनरेशन के कंप्यूटर या लैंग्वेज भी कोई पढ़ने लगते हैं तो आजकल वो उसकी बजाय कुछ और यूज़ हो रहा है और पढ़ते रहे पुराना वाला। जैसे आप याद करिए कोबोल और पास्कल, ये भी चलती थी लैंग्वेज पहले, और जब हमने MSc किया था तो हमें वो लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ी, जबकि वो उस टाइम पे आउटडेटेड, आज से 20 साल पहले आउटडेटेड हो चुकी थी, लेकिन तब भी वो कोबोल और पास्कल हमें MSc में पढ़नी पड़ी। चलिए, तो ये हमारे वेटेड कोडिंग के हो गए, हेडिंग डाल दीजिए अब, वेटेड कोडिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेटेड कोडिंग दो प्रकार की होती हैं, लिखिए इसमें, ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिवली वेटेड कोडिंग। आप ये वेटेड वर्ड पूरा लिखा करिए, मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख देता हूँ, और इसके एग्जांपल, इसका क्या होगा, इसमें जो जितने भी वेट्स होंगे वो पॉजिटिव होते हैं, लिख दीजिए इसके अंदर। इस प्रकार के कोड में सारे वेट्स पॉजिटिव होते हैं। एग्जांपल में पहला और दूसरा लिख लीजिए, देखिए सारे पॉजिटिव है ना, पहला लिख लीजिए 8421 कोड और दूसरा 2421 कोड। फिर नंबर 2 हेडिंग डाल दीजिए, नेगेटिवली वेटेड कोड, जैसे 1 था पॉजिटिवली, ऐसी नंबर 2 डाल दीजिए, नेगेटिवली वेटेड कोड। और इसमें लिख दीजिए, इस प्रकार के कोड में कुछ वेट्स नेगेटिव होते हैं। एग्जांपल लिख दीजिए तीसरा वाला, देखिए 84 माइनस 2 माइनस 1 कोड, शायद ये हमें न पढ़ना पड़े, है ना, लेकिन तब भी आप ध्यान रखें कि ये ऐसा भी कुछ होता है। तो ये वेटेड कोडिंग हमने पढ़ी पूरी सारी। अब नॉन वेटेड कोडिंग में बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि सारे कंसेप्ट जो है वो एक्स्ट्रा वाले, पोजिशनल नोटेशन क्या होता है और ये एग्जांपल समझाना, ये सब चीज़ें आपकी उसमें कवर हो चुकी हैं। तो नॉन वेटेड कोडिंग के अंदर बस हमें 5-6 लाइनें लिखनी है और ख़त्म हो जाएगा आर्टिकल, हार्डली 5 मिनट और लगने हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए नॉन वेटेड कोडिंग, इस प्रकार के बाइनरी कोड में पोजिशनल वेट्स असाइन नहीं किए जाते हैं। इसके एग्जांपल लिख दीजिए नीचे, एग्जांपल 1 ग्रे कोड, ये पढ़ना पड़ेगा हमें, GRAY ग्रे कोड। नंबर 2 डालिए एक्सेस थ्री कोड, हिंदी में भी एक्सेस ही बोलते हैं, एक्सेस थ्री कोड, शॉर्ट में कभी कभी इसको एक्सेस थ्री, जैसे ज़्यादा स्टाइल मार दो ना तो ये इस तरह से SMS लैंग्वेज जैसे
एक्सेस थ्री इस तरह भी लिखा जाता है, एक्सेस थ्री कोड। इसमें एक्सेस थ्री कोड में लिख दीजिए, इसका प्रयोग एक बार पुराने कंप्यूटर्स और एडिंग मशीन में किया गया था। लेकिन बस यही है कि चूंकि एक बार वो कंसेप्ट बना दिया गया तो हमें वो पढ़ाया जा रहा है। आप लोग अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक्स पे हैं ना, तो बेसिक्स में आपको शुरुआत की चीज़ें और जो आसानी से समझ में आने वाली चीज़ें वही पढ़ाई जाएंगी। तो मैं ये को टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा, वेटेड एंड नेगेटिव। वेटेड में नेगेटिव वाला थोड़ा दोबारा बताइए सर। अच्छा ऐसा है ना, 8 4 माइनस 2 माइनस 1 है, तो इसमें कुछ वो वेट्स माइनस के हो गए ना, इसलिए इसको नेगेटिवली वेटेड कोडिंग कह रहे हैं। चलिए तो मैं क्लास ख़त्म करता हूँ। ओके थैंक यू, हैव ए गुड डे।